हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जीव विज्ञान में लेके आए हैं सेकेंड भाग। तो फ्रेंड्स, आज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जानेंगे जीव विज्ञान से। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों, किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मैकुलन ने। हाँ दोस्तों, मैकुलन ने ही विटामिन ए और बी की खोज की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों, विटामिन सी और डी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है होल्टक एवं हॉपिक्स ने। हाँ दोस्तों, होल्टक एवं हॉपिक्स ने ही विटामिन सी और डी खोज की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है? हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर है ए, बी और सी। हाँ दोस्तों, बी और सी जो है जल में घुल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? हाँ दोस्तों, वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है? इसका आंसर है ए, डी, ई एवं के। हाँ दोस्तों, ए, डी, ई एवं के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में जल का भार होता है? हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में जल का भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 से 80%। हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में 65 से 80% जल होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में कितनी पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है 4 से 5 लीटर। हाँ दोस्तों, एक मनुष्य को 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? हाँ दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है रेटिनॉल। हाँ दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का स्रोत कौन कौन से? हाँ दोस्तों, विटामिन ए का स्रोत क्या सब है? तो आइए हम, इसका राइट आंसर होगा अंडा, गाजर एवं दूध। हाँ दोस्तों, अंडा, गाजर, दूध से विटामिन ए की कमी दूर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हाँ दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हम राइट आंसर जानेंगे एस्कोविर्क एसिड। हाँ दोस्तों, एस्कोविर्क एसिड ही विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का स्रोत क्या है? हाँ दोस्तों, विटामिन सी का स्रोत कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा आंवला व नींबू से। हाँ दोस्तों, विटामिन सी का स्रोत है आंवला व नींबू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या है? हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रतौंधी। हाँ दोस्तों, रतौंधी ही विटामिन ए की कमी से होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग, हाँ दोस्तों, विटामिन बी वन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसका हम राइट आंसर है बेरी बेरी। हाँ दोस्तों, विटामिन बी वन की कमी से होती है बेरी बेरी नामक रोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं? हाँ दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, इसका राइट आंसर है रिकेटस। हाँ दोस्तों, रिकेटस ही, और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग क्या है? हाँ दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग कौन से है? तो इसका हम राइट आंसर कहेंगे घेंघा रोग। हाँ दोस्तों, विटामिन कमी से घेंघा रोग होता है। अब चल, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग क्या है? हाँ दोस्तों, विटामिन सी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है एस्कर्वी। हाँ दोस्तों, एस्कर्वी ही विटामिन सी कमी से रोग होती है। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पर ही आए तो बेल बटन कॉल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।